Good morning, students. In this video, we shall be studying anatomy of dicot and monocot root. Up till now, we have discussed various kinds of tissues, their position, modifications, functions, but how actually they are placed in an organ inside the plant body becomes an important point. Ab dekhiye, this is root. We call this as ground plan. कि जब मैं किसी भी टाइप का कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं तो उसके पहले मैं उसका एक रफ स्केच बनाता हूं कि मुझे उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है. उसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड प्लान, जो हमें अंडरस्टैंडिंग देता है इस बात का कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ वेरियस लेयर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल लेयर्स इन एन ऑर्गन. हमें रूट हेयर मिलता है, फिर पिलीफेरस लेयर मिलती है, कॉर्टेक्स मिलता है, फ्लोएम, मेटाजाइलम एंड कंजक्टिव टिश्यू. इसमें सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं होती, बट जब मैं सेल्यूलर डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो सेल्यूलर डायग्राम के अंदर मुझे ये सारे लेयर्स वन बाय वन मिलते हैं. रूट हेयर फॉलोड बाय द पिलीफेरस लेयर, देन कम्स द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फ्लोएम. बट पेरिसाइकल ये एंडोडर्मिस के नीचे, बाद में फ्लोएम, फिर प्रोटोजाइलम, कंजक्टिव टिश्यू, मेटाजाइलम, कैस्पेरियन स्ट्रिप और पैसेज सेल. ये एंटायर स्ट्रक्चर डाइकॉट रूट को रिवील कर रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऐसा मैं इसे कंसिडर करता हूं. उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब मैं नीट के क्वेश्चंस के लिए इन्हें प्रिपेयर करता हूं तो यह डायग्राम एनसीआरटी की डायग्राम, एनसीआरटी के बुक की डायग्राम एज इट इज आएगी और ये सारे चीजों को ए बी सी डी ई, देन कम्स एफ, बराबर जी एच, ये इस तरीके से इनका नेमिंग किया जाएगा, नंबरिंग किया जाएगा, लेटर्स दिए जाएंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट इन करेक्ट सीक्वेंस एंड दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. बराबर. अब इस डायग्राम के डिटेल्स हम लोगों को लेना है. यंग डाइकॉट रूट जो होता है, इट शोज ओनली प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज. बराबर. ओनली प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज आर सीन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सिर्फ प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज. अब इसका क्या मीनिंग है ये समझो कि ये जितने प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज है ये कहां से मिले हमें, तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अपाइकल ग्रोइंग पॉइंट. अपाइकल ग्रोइंग पॉइंट से ये सारे टिश्यूज मुझे मिले हैं. बराबर. अब एक एक लेयर को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग. सबसे पहला पार्ट जो है वो पिलीफेरस लेयर का है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिब्लेमा, जिसे मोस्टली हम लोग एपिडर्मिस ऐसा बोलते हैं. बराबर. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइजोडर्मिस. और मेरे हिसाब से ये टर्म इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये नया है. राइजा यानी रूट. राइजा राइजो का मतलब होता है रूट, और डर्मा यानी डर्मिस यानी स्किन यानी आउटर मोस्ट लेयर. जैसे हमारे तुम्हारे स्किन में, हमारे तुम्हारे बॉडी में आउटर मोस्ट लेयर स्किन होता है, वैसा ये रूट का स्किन हो गया, जिसे हमने एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस बोला है. बराबर. दिस इज आउटर मोस्ट लेयर. और है कैसी, तो इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स. कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स जो है बैरल शेप्ड, प्लेस्ड एंड टू एंड. बराबर. थीन वॉल्ड है, फ्लैटेंड है, और नेचर अगर इनका देखा जाए कि ये कौन से टाइप के टिश्यूज की है, तो दे आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स. ये बात याद रखिए. बराबर. इनका मेन फंक्शन क्या है, तो ऑल दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रूट हेयर्स.
बराबर। ये रूट हेयर कैसा होता है? रूट हेयर इज यूनिसेल्यूलर इन नेचर। एपिडर्मल सेल का न्यूक्लियस ही उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। रूट हेयर ये थीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंट को ट्राइकोम बोलते हैं, और यहां टिश्यू ब्लास्ट यानी इसका नाम हो गया ट्राइकोब्लास्ट, बराबर। और ऐसे पिलर जैसे स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुए, ये 1, 2, 3, 4, और इसलिए इसका नाम रखा गया पिलिफेरस लेयर। रूट हेयर का मेन फंक्शन क्या है? इनके फंक्शन का अगर हम लोग देखें पार्ट, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल सॉल्ट्स, इनके एब्सॉर्प्शन का काम ये रूट हेयर का है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब ये कहां से एब्सॉर्ब करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सॉइल इज द बिगेस्ट रिजर्वायर फॉर ऑल दिस थिंग्स, बराबर। इस एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस के नीचे जो सबसे मेजर पार्ट मिलता है वो है कॉर्टेक्स। यहां ब्लू कलर के सेल्स से हम लोगों ने ये कॉर्टेक्स के सेल्स को दिखाया है। देखिए यहां मैं शेड करते जा रहा हूं, ये सारे के सारे कॉर्टेक्स के सेल्स है। कॉर्टेक्स के बारे में जब हम लोग लिखते हैं या कॉर्टेक्स को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी रूट के, तो कॉर्टेक्स का नेचर क्या रहेगा? तो मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा लेयर्स है, ये बात याद रहे। सेल का नेचर कैसा है? पेरेन्काइमेटस है, और बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं है, देयर अरेंजमेंट इज लूज, और इसलिए दे आर ऑल लूजली अरेंज्ड, बराबर। वेरियस शेप्स हमें मिलेंगे, दे आर आइदर राउंडेड, एंगुलर और एनी अदर टाइप। इंटरसेल्युलर स्पेसेस का प्रेजेंस है, मैं यहां इंटरसेल्युलर स्पेसेस दिखाता हूं, ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, इंटर इन बिटवीन सेल्युलर स्पेस, इसलिए इंटरसेल्युलर स्पेस। किस चीज के लिए बनी है? तो दिस इज मीन्ड फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कॉर्टेक्स के थ्रू प्लांट जिस प्रोसेस को करना चाहता है वो गैसेस का डिफ्यूजन है, बराबर। और इतना ही नहीं, तो एपोप्लास्ट पाथवे जो है वाटर का, उस एपोप्लास्ट मूवमेंट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बराबर। वाटर का कंडक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉर्टेक्स करता है। मैं अगर पेपर सेट कर रहा हूं, मैं इस डायग्राम को जब यूज करूंगा तो मैं कोई 4 पॉइंट्स देके उनके फंक्शंस भी आइडेंटिफाई करने को बोल सकता हूं। इसके नीचे जो लेयर मुझे मिलता है वो ये है, जिसे हमने टर्म दिया है एंडोडर्मिस। एकदम सिंपल मीनिंग, एंडो इनसाइड, डर्मा लेयर, और इसलिए इनर लेयर, ऐसा हम लोग इसे शॉर्ट में बोलेंगे कि ये एंडोडर्मिस है, बराबर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स करके हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ये बात याद रहे। ये जो जो पॉइंट मैं लिखते जा रहा हूं, जो मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, वो सारे के सारे 4 मार्क के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के हिसाब से, ये पॉइंट याद रहे, बराबर। किस चीज के सेल की बनी हुई है? तो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, स्लाइटली सोलन इन द सेंटर। सो बैरल शेप्ड सेल्स की ये बनी हुई है, बराबर। अब ऐसा जो बैरल शेप्ड सेल का पार्ट है वो इसे बीच में स्लाइटली सोलन बनाता है, बैरल शेप्ड सेल्स, बराबर। यंग एंडोडर्मल सेल्स जो होती है उनके ऊपर थिकनिंग्स होते हैं, तो ये सारे थिकनिंग्स किस तरीके से दिखेंगे यहां हम लोग दिखा सकते हैं, बराबर। ये पूरे सेल के ऊपर इस तरीके से थिकनिंग्स का प्रेजेंस है, और ये थिकनिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप ये एंडोडर्मिस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है दे आर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरीन एंड हिस मटेरियल इज इंपरवियस टू वॉटर। इंपरवियस टू वॉटर का मतलब क्या है? यहां से वॉटर की आगे एंट्री नहीं होगी, बराबर। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा है कि सुबेरीन के साथ लिग्निन भी है, बट हम लोग सिर्फ सुबेरीन की बात करेंगे। ये
सबसे इम्पॉर्टेंट काम करती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रिवेंट प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल्स, प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल्स इज प्रिवेंटेड। अब ये जो पर्टिकुलर टाइप की टर्म्स है, इसके लिए आप मेरा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का प्लेलिस्ट देखिए जो कि 12th क्लास के सिलेबस का है उस स्टेट के हिसाब से, और एनसीईआरटी में वो 11th में है, बराबर। तो ये प्लाज्मोलिसिस यानी लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म को वो प्रिवेंट करती है, ये बात याद रहे, बराबर। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेल का इंपॉर्टेंट हो गया और ये बायोलॉजिकल चेक पोस्ट करके काम करता है। कुछ सेल्स यहां ऐसी होती है जिनके थ्रू वाटर की मूवमेंट होती है और उन्हें हम लोग बोलते हैं पैसेज सेल्स। सो जब मैं पैसेज सेल के फंक्शन को यहां ऐड करता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं अलाउज मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस, बराबर। मूवमेंट ऑफ वाटर को ये अलाउ करते हैं यहां से। अब देखो जब सिंप्लास्ट की जब प्रॉपर्टी आएगी, जब सिंप्लास्ट आएगा तो उस सिंप्लास्ट के हिसाब से जब हम लोगों को जाना है या एपोप्लास्ट के हिसाब से जब हम लोगों को जाना है तो ये पर्टिकुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, ये हमें हेल्प करेगा वहां पे। वाटर की एंट्री यहां से होती है इस तरीके से, ये गया वाटर, यहां से आया, ऐसे आया, ऐसा 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 चल के एंडोडर्मिस तक पहुंचा, बट यहां से वो जा नहीं सकता बिकॉज ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो उसे जाने के लिए जो हेल्प करेगी वो पैसेज सेल्स है, बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, बराबर। यहां एक पॉइंट हम लोगों को और याद रखना चाहिए कि ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस, यहां लिखते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उनको हम लोग टर्म देते हैं स्टील। अब वो कौन कौन है, किस टाइप के है, तो फ्लोएम आएगा, पेरिसाइकल आएगा, प्रोटोजाइलम आएगा, कंजक्टिव टिश्यू आएगा, मेटाजाइलम आएगा, ये सारे जितने अभी मैंने हाईलाइट किए ये सब के सब वहां इंक्लूड किए जाएंगे। बट एक इनकी लिस्ट अगर मैं दे दूं आप लोगों को तो पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल और पिथ, ऐसी तीन चीजें, पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल एंड पिथ, ये तीन चीजें ऐसी है जो हम लोगों को यहां मिलती है, बराबर। अब एक चीज और ध्यान में रखिए कि एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल है, ये पूरा पार्ट पेरिसाइकल को रेफर कर रहा है। पेरिसाइकल कैसा है, पेरिसाइकल ही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज आउटर बाउंड्री ऑफ वेस्क्यूलर स्ट्रैंड, बराबर। पेरिसाइकल इज इंपॉर्टेंट लेयर, वो ऐसा पार्ट है जो वेस्क्यूलर कैम्बियम को डेवलप करता है। पेरिसाइकल डेवलप्स वेस्क्यूलर कैम्बियम इन रूट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइकॉट रूट के लिए, बराबर। और फिर ये नए टिश्यूज की डेवलपमेंट करवाता है, कॉर्क कैम्बियम भी इसी से डेवलप होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेरिसाइकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग ऑफ रूट और ब्रांचिंग इन रूट, और इसलिए पेरिसाइकल बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैं इस रूट के वेस्क्यूलेचर पे आता हूं और वेस्क्यूलर टिश्यूज की बात करता हूं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने ये देखा होगा कि यहां जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं रूट के, वो सारे बंडल्स रेडियल टाइप के हैं, यानी जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन सेपरेट बंडल्स, बराबर। डाइकॉट रूट में ऐसे कितने बंडल्स है, 2 to 6, 2 to 6 अल्टरनेटली फाउंड, बराबर। बंडल्स है जाइलम और फ्लोएम के, बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम मुझे मिले, दोनों रूट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, यह बात याद रखना, बराबर। यहां जो प्रोटोजाइलम है, फर्स्ट फॉर्म जाइलम, बराबर, ये देखिए हम लोग यहां पहले पोजीशन दिखा देते, दिस इज फ्लोएम, ये फ्लोएम है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, बराबर। ये पूरा का पूरा जो है क्रॉसवाइज वो जाइलम है, जिसमें मुझे प्रोटोजाइलम मिला,
जो शुरुआत में है, और पीछे के साइड में ये जो सेंटर में है ये है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम आउटर है, मेटाजाइलम जो है वो इनर है, बराबर। अब 2 to 6 में डायआर्च, ट्रायआर्च, टेट्रार्च, पेंटार्च, हेक्सार्च, ये कॉमन अरेंजमेंट हम लोगों को मिलती है, बराबर। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इस पूरे पार्ट में आउटर इज प्रोटोजाइलम, बराबर, इनर इज मेटाजाइलम, और ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग जाइलम के क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एक्सार्च टाइप ऑफ जाइलम। इस जाइलम को हम लोगों ने बोला है एक्सार्च जाइलम, और उसके साथ ये फ्लोएम भी है। जाइलम और फ्लोएम के बिल्कुल बीच में, बराबर, जाइलम और फ्लोएम इनके बिल्कुल बीच में मुझे कंजक्टिव पेरेन्काइमा या कंजक्टिव टिश्यू मिलता है। दिस इज कंजक्टिव टिश्यू और कंजक्टिव पेरेन्काइमा, बराबर। इसका एक ही फंक्शन में मेंशन कर रहा हूं, लेटर स्टेजेस में दिस प्रोड्यूसेस वैस्क्यूलर कैम्बियम। इसका मतलब है कि यहां सेकेंडरी ग्रोथ के चांसेस होते हैं, बराबर। फाइनली हम लोगों को जो पार्ट मिल रहा है वो है पिट का, और ये बात अच्छे से याद रहे कि डाइकॉट रूट में पिट इज ऑफन एब्सेंट, बराबर। और इफ प्रेजेंट, अगर गलती से हमें ये मिलता भी है कभी, इफ प्रेजेंट इट इज क्वाइट स्मॉल, नॉट वेल डेवलप्ड, बराबर। Quite small size of pith is found. और किस चीज का बना हुआ है, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, अरेंजमेंट इज कॉम्पैक्ट, बराबर। और काम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। So this is about the dicot root or internal structure of dicot root. Similarly, we have monocot root also. And when it comes to monocot root, no other structure is seen. All structures are same. It shows root hair, then piliferous layer, followed by the cortex, then endodermis, pericycle, Casparian strip, passage cell, phloem, protoxylem, metaxylem. पैसेज सेल्स, ये सारी चीजें यहां पे उसी टाइप से मिलती है हमें, बराबर। किसी भी पर्टिकुलर टाइप का चेंज हम लोगों को नहीं मिला, बट कॉर्टेक्स को लेकर एक पॉइंट मोनोकॉट रूट में याद रखना चाहिए, ये क्या है, बराबर। जो ओल्डर रूट्स होते हैं स्पेशली, इन ओल्डर रूट्स में मुझे ये लेवल, ये पर्टिकुलर लाइन मुझे मिलता है। ओल्डर रूट्स में सम ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल यानी कॉर्टेक्स की सेल्स, सम ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स बिकम थीक, और वो फ्यू लेयर्ड थीक स्ट्रक्चर जो बनाती है उसे मैं कई बार टर्म देता हूं एक्सोडर्मिस, बराबर। इसको एक्सोडर्मिस बोला जाएगा। यहां पे भी कॉर्टेक्स के फंक्शंस, स्ट्रक्चर, ये सब सेम है, किसी भी टाइप का कोई पर्टिकुलर चेंज हम लोगों को नहीं मिलता। एंडोडर्मिस ठीक उसी तरीके से वैस्कुलर फ्लो को इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर करके रिवील करेगा, वहां से वो वाटर के मूवमेंट को चेक करेगा, ये सारे फंक्शंस कॉमन है। हाँ, लेकिन जब मैं पेरिसाइकल के बारे में बात करता हूं मोनोकॉट रूट में, तो स्लाइट चेंजेस मुझे मिलते हैं। यहां पे ये याद रखिए कि मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकल डज नॉट फॉर्म कैम्बियम, ये कैम्बियम को प्रोड्यूस नहीं करता, यहां कोई कैम्बियम प्रोड्यूस नहीं होने वाला, बराबर। सिर्फ लैटरल रूट्स आर प्रोड्यूस्ड, ओनली लैटरल रूट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकल को एक्सप्लेन करते वक्त, बराबर। वैस्क्यूलर बंडल का नंबर देखिए वो ज्यादा है, और इसलिए यहां ये वैस्क्यूलेचर की जब बात होगी
वेस्क्यूलेचर की जब हम लोग मोनोकॉट रूट के लिए बात करते हैं तो इट बिकम्स पॉलीआर्च, बराबर। जाइलम उसी टाइप का है, एक्सार्च ही जाइलम है, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं मिलते, बराबर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहां मिलता है वो क्या, तो कंजक्टिव टिश्यू का भी है। यहां पे कंजक्टिव टिश्यू है क्या, तो आंसर है यस, कंजक्टिव टिश्यू मुझे मिल रहा है, बराबर। यहां फ्लोएम भी हम लोग दिखाते हैं पहले, ये देखिए ये फ्लोएम का पार्ट हुआ, ये जाइलम का पार्ट हुआ, इनके बीच में जो मुझे मिल रहा है दैट विल बी द कंजक्टिव टिश्यू। उस डायग्राम के लेबल को मैंने क्रॉस किया, ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। कंजक्टिव टिश्यू जो है उसका काम क्या है, तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो यहां पे डेवलप कर रहा है, वो उसे सपोर्ट कर रहा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देके, बराबर। और इसलिए कंजक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है वो ऑफन स्क्लेरिफाइड हो जाएगी। स्क्लेरिफाइड का मतलब होता है दे डेवलप थिकनिंग, बराबर। जब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और इस सेंट्रल पार्ट के तरफ आऊं, बराबर, सेंट्रल पार्ट के तरफ यानी कहां, तो एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ रूट जब मैं आता हूं तो मुझे एक पार्ट मिल रहा है वहां पे, और वो किस चीज का है, तो इट इज नथिंग बट द पिट। जब मैं मोनोकॉट रूट के पिथ की बात करता हूं, बराबर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन कि दिस पिथ इज वेल डेवलप्ड। किस टाइप के सेल्स की बनी है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, थीन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थीन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स का ये सारा पार्ट बना है, बराबर। समटाइम्स दे बिकम थीक, बट मोस्टली दे आर थीन इन नेचर, राउंडेड हो सकती है, एंगुलर हो सकती है, बराबर। बट मेनी अ टाइम्स कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट के साथ एक चीज ध्यान में रखिए, समटाइम्स दे शो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, समटाइम्स जो है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर प्रेजेंट और वो रिपोजिटरी करके काम करती है। फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। विद दिस इट इज ऑल ओवर अबाउट एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल पॉइंट्स रिलेटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द वेरी सिमिलर मैनर। We shall be studying anatomy of dicot stem and the monocot stem. बने रहिए, पढ़ते रहिए। Thank you very much for watching my videos.